ओके, सेवेंथ स्टैंडर्ड। तो आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, वाक्य रचना। वाक्य ये देखिए 16th लेसन, पेज नंबर 51 पे है हम लोग, और नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं वाक्य रचना। आपको तो पता है वाक्य कैसे बनते हैं, शब्द से बनते हैं। तो जब हम सही शब्द एक साथ रखते हैं, अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है। तो इस वाक्य के भेद है, उनके दो प्रकार से भेद होते हैं। वाक्य का एक भेद होता है जो रचना के अनुसार होता है, और दूसरा होता है अर्थ के अनुसार। तो सबसे पहले हम रचना के अनुसार वाक्य के भेद देखेंगे। रचना के अनुसार उनके तीन भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती हो, खाने की, सोने की, मिलने की, जो भी क्रिया है, क्रिया मतलब क्रियापद, तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, खेल तो ग्रामीण जीवन का आत्मा है। देखिए, ये तो रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, उसमें सिर्फ एक या एक ही क्रिया होती है। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्यों में दो वाक्यों को समुच्चय मतलब और, परंतु ऐसे अवयवों से जोड़ा जाता है, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे रोने पर बताशे मिलते हैं, इसीलिए हम रोते हैं, तो उसी इसीलिए, ताकि, परंतु, कुछ और, ऐसे सारे शब्द जो होते हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं, इसीलिए उनको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तीसरा होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक वाक्य मुख्य होता है और बाकी उसके उपवाक्य होते हैं, तो उनको मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि बादशाह अकबर मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। तो यहाँ पे एक ही क्रिया है मुश्किल में पड़ने की, और उसके साथ बाकी जो है न्याय कैसे करना है, वो बाकी सब उपवाक्य होते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे। और रचना के अनुसार तीन भेद, पहला सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र। अभी दूसरा, अर्थ के अनुसार भी वाक्य के भेद होते हैं, जो कि आठ होते हैं। तो मैं आपको एक एक एक्सप्लेन कर दूं। पहला है विधानार्थ, दूसरा है निषेधार्थ, तीसरा है आज्ञार्थ, चौथा प्रश्नार्थ, पांचवा इच्छार्थक है, छठा संभावनार्थक है, सातवां विस्मयार्थक है, और आठवां संकेतार्थक है। तो हर एक के अपने अपने उनको पहचानने के लिए क्या क्या देखिए आदतें होती है। विधानार्थक तो सरल वाक्य की तरह ही होता है, जिसमें कोई विधान किया जाता है, तो ये तो अपना सरल वाक्य जैसे होता है, वैसे ही ये विधानार्थक वाक्य होता है।